बहुत टाइम बाद सगाई की शॉपिंग ब्रो, अब शादी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, आज शॉपिंग लेने आ रखे हैं आप बुआरी के लिए, जरा कपड़े कपड़े लेने बोला अपने लिए भी लेने। नेक्स्ट चाहिए अच्छा भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने चश्मा पहना भाभी देख के भाग गई। नेक्स्ट शॉप में इंदिरा मार्केट देखेंगे आपको अभी। हाँ तो गोलू भाई, तो एक गोलू भाई लाग गया हमको इंदिरा मार्केट भाई, इंदिरा मार्केट मार चुके हैं हम, घूमते हैं देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो अब जा रहे हैं भाई तिब्बती मार्केट गोलू भाई के साथ, रोवार 2024। चलो भाई अंदर मेला हो रहा है, मेले में घूमते हैं थोड़े भाई। तो भाई ऐसा है, अकेले अकेले घूम रहे हैं हमारे ब्रो। तो अब जा रहे हैं दूसरे मेले में जो जहाँ परसों गए थे सरस। तो यहाँ पे लोग लगे हैं पागल की तरह फोटो खिंचाने पे। बोलो भाई फोटो खींच देगा आप? अच्छा भूत है तेरे भूत। मंडी बंद हो चुकी है रात को, पूरा देहरादून की मंडी है। आंवला भाई आंवला देखो मुंह के अंदर भी नहीं आ रहा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन के साथ और इन देहरादून की इन खूबसूरत वादियों के साथ। और हम निकल चुके हैं, शाम का टाइम में हम निकल चुके हैं थोड़ा आज घूमने के लिए, क्योंकि हमें कल जाना है घर। आज थोड़ा घूमते हैं ठीक है, क्योंकि दो दिन से तो आपने देख ही लिया होगा, अभी हमने डाला नहीं। लेकिन मैंने पहले दिन गया FRI, दूसरे दिन गया मैं बुद्ध टेम्पल, तो वो मैं ब्लॉग एडिट करूँगा जब मैं घर पहुँच जाऊँ ठीक है, क्योंकि आराम से करेंगे वो चीज़ अच्छी है, जो ऐसी चीज़ें होती है एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें वो थोड़ा आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लॉग पहले डाल दूँगा ठीक है, उसके लिए नेट भी ज़्यादा चाहिए, घर में आराम से नेट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जा रहे हैं हम ISBT से, हमने कोई बुला रखा है थोड़ा खास दोस्त, उसे आप जानते हो, तो ये मिलाते हैं थोड़ी देर में अगर आता हो तो ठीक है। तो आज देहरादून लास्ट दिन है क्यों, कल हमें जाना है, इसलिए आज घूमते हैं थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत सामान सामान लेते हैं। चलो चलते हैं, हम ISBT पहुंचने वाले हैं, शांति ढूंढनी पड़े देहरादून में यार, कहाँ पर शांति हुई, कहाँ पर हम प्रॉपर ब्लॉग बना पाएंगे। अरे एक गाँव में रहते हैं हम, कहीं पर भी स्टार्ट कर दो ब्लॉग, यहाँ कहीं पर स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ शोर गुबला इतना है कि ट्वीटा भाई साहब, वो अभी तक अब ISBT की आवाज़ आने लगी होगी गाड़ियों की। चलो फिर चलते हैं और पहुँचते हैं वहाँ ठीक है, हम अपने रास्ते जा रहे हैं वो शॉर्टकट वाले रास्ते। तो ये पहुँच गए भाई ISBT, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जाना है हमें घंटा घर ठीक है, यहाँ से पकड़ते हैं कोई मैजिक म्यूजिक। तो दोस्तों देहरादून में भी चलने लग गए इलेक्ट्रिक बसें, और इन पे मतलब पेट्रोल पेट्रोल डीजल डूजल नहीं चलता है, इन पे केवल इलेक्ट्रिक बसें चार्ज होती हैं, और इस पे किराया भी बिल्कुल सस्ता है, मतलब जितना मैजिक म्यूजिक रिक्शा रुक्शे से बिल्कुल हाफ। तो यहीं पे बस स्टैंड था, तो मैंने बोला जब तक दोस्त आता है तब तक वाईफाई चलाने के लिए फ्री का यहाँ चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी थी और वो ज़्यादा GB की थी। तो चलो वाईफाई चलाते हैं, चलो भाई फ्री का वाईफाई चलाते हैं घंटाघर के लिए, टूटते हैं क्या मिलता है घंटाघर, हमें जाना है घंटाघर, वाईफाई चला दे फ्री का। तो हम पहुंच चुके हैं घंटाघर में भाई, दोस्त नहीं आए अभी तक, दिखाते हैं घंटाघर पहुंच गए। ये रहा भाई घंटाघर, पहले अपने दोस्त का इंतजार करते उसके बाद चलते हैं। भाई 2 घंटा हो गया अभी तक, लेट कर दिया यार। हाँ भाई, गलो भाई क्या हाल है भाई यार, तो एक 2 घंटे हो गए गोलू भाई को, चल ले चल ले। ये फोन आणो मेरा गोलू भाई के साथ पलटन बजा रहा है। हेलो भाई, कैसे हो आप लोग, सब बढ़िया होंगे और बढ़िया सब ठीक ठाक। आज हमारे रखे लब्बी भाई से बोलो भाई, बहुत टाइम बाद सगाई की शॉपिंग ब्रो, अब शादी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, आज शॉपिंग लेने आ रखे हैं आप बुआरी के लिए, जरा कपड़े कपड़े लेने बोला अपने लिए भी लेने। यस हम यस तब अपने यहाँ आ रखे हैं, तो हमने कहा चलो भाई लब्बी भाई भी आ गया, कुछ हम 3-4 दिन बाद बहुत दिन बाद मिले लब्बी भाई को, 4 दिन हो गए यहाँ आते हुए, तो हम आज मिले बहुत मुश्किल से, थोड़ा बिजी था मैं भी। गोल लोग बोल छपरी घूमना थी, छपरी घूम रहे होंगे पलटन बाजार पर भाई, चलो पलटन बाजार है शॉपिंग करा दे आप।
क्या लेना है भाई, मैं यार खुद यहाँ एक पहन के आ रहा हूँ मैं अभी, चलो चलते हैं अभी यार। अब गोलू भाई लेके चश्मे सगाई के लिए ले गोलू भाई, तेरी तेरी के एकदम तगड़े भाई। नेक्स्ट चाहिए अच्छा भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमने चश्मे पहने और भाभी देख के भाग गई। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये ज़्यादा हैवी लग रहा है यार तेरी के, हैं ज़्यादा हैवी लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। नेक्स्ट देख गाइस, अभी पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया हमें, और अभी हम निकल चुके हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टॉप, नेक्स्ट स्टॉप में इंदिरा मार्केट देखेंगे आपको अभी। चलो भाई पलटन बाजार से बाहर आ गए, कोलू भाई को पसंद नहीं आया, कोई क्या खा रहा कोलू भाई? मोमो खाएगा, खिला दे भाई मोमो, खिला दे भाई मोमो, खिला दे मोमो भाई। भाई हम ले रहे हैं मोमो, अभी भाई से देखते हैं टेस्ट करके। खा दो कोलू भाई, क्या कैसा हो रहा भाई? बढ़िया नंबर बहुत है भाई, बोलो भाई बहुत है। तो एक गोलू भाई ला गया हमको इंदिरा मार्केट भाई, इंदिरा मार्केट मार चुके हैं हम, घूमते हैं देखते हैं यहाँ क्या क्या है। पलटन बाजार में तो कुछ पसंद नहीं आया। 15 प्रो कितने का है? 15 प्रो। 14 कितने का है? 14। तो अब जा रहे हैं भाई तिब्बती मार्केट गोलू भाई के साथ। तेरे की आज शॉपिंग करे गोलू भाई। तिब्बती मार्केट से भी आ गए हैं भाई तिब्बती मार्केट, अब जा रहे हैं सरस मेले में फिर गोलू भाई के साथ। चलो यहाँ मेला लगा हुआ है तो देखते हैं गाइस क्या होता है। धरोहर 2024, चलो भाई अंदर मेला हो रहा है, मेले में घूमते हैं थोड़े भाई। वाओ गाइस करें हम इधर से एंट्री, रात को लग रहा है भाई मस्त भयंकर भाई। झुमकी झुमकी भी ले लो भाई यार, छोटे से क्या करना है यार झुमकी लेके। तो भाई ऐसा है अकेले अकेले घूम रहे हैं हमारे ब्रो, यहाँ कारपूर भी है चाहिए तो भाई दिखा सकते हैं आप लोगों को। नहीं मिलेगा किसी जगह लोग उन्होंने पागल है मैं लगी भाई। तो भाई हमारे क्या मार्केट भाई, दिखाते हैं आपको मार्केट के बारे में और पीछे लगी भाई, और ये देखिए। तो भाई हम तो अकेले आ चुके हैं तो हमें तुम्हें दिखाना पड़ रहा है। तो भाई देखिए, और ये लवी भाई है। तो हम ऐसी तो लवी भाई पूछना चाहेंगे कुछ भाई, गर्लफ्रेंड का है तुम्हारी, अकेले अकेले घूम रहे हो देहरादून में रह के भाई, क्या बात है। तो भाई अच्छा नहीं होगा, आप भाई दिखा सकते हैं आपको, यहाँ झुमके भी हैं तो भाई सूट भी हैं यहाँ। तो भाई हमारी तो गर्लफ्रेंड है नहीं, तो लवी भाई के लिए देखते हैं। लवी भाई देखिए आप कौन सी सूट पसंद करोगे, तो भाई झुमके दिखाओ भाई लवी भाई। तो भाई यहाँ पे देखो सूट शर्ट सब बढ़िया मिल रहा है। तो भाई हम यहाँ पे लवी भाई ब्लॉग बना रहे हैं, तो कुछ लवी भाई को ये वीडियो भी सेंड करेंगे हम ये भी। तो भाई ये देखिए बढ़िया मिल रहा है भाई, हम यहाँ पे लवी भाई ब्लॉग बना रहे हैं, तो कुछ लवी भाई को ये वीडियो भी सेंड करेंगे हम ये भी। लाइट चले गए भाई, तो गाइस यहाँ पे अभी लाइट जा चुकी है। बोलो भाई मज मज आ गई। अरे भाई बढ़िया, अरे दो मेले हो रहे हैं यार, एक सरस वाला हो रहा है जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया, तो अभी एक दूसरा हो रहा है भी उधर है तो परेड ग्राउंड में, तो परेड ग्राउंड वाला ये वो वाला है यार, ये राजपुर रोड वाला और वो सरस दूसरा उधर है। हाँ हाँ वो है तुम्हारा तहसील वाले चौक पे,
इधर यहाँ बगल में जा, दूर नहीं है बस। बोलो भाई पूरा एंजॉय कर रहा है भाई, देखो क्या करना भाई, अब लाइव ये तो मजे ले रहा है भाई। सेटिंग तो है नहीं हमारी, सेटिंग तो छोड़ के भाग रही है पकड़। और पहले तो बोलो भाई को बधाई हो, आईफोन ले लिया मान लो भाई, भाई साहब बधाई हो यार, तेरे की आईफोन आ गया भाई का। कहीं दहेज तो नहीं मिला? दहेज ना यार, दहेज अभी शादी शुदी नहीं, दहेज कहाँ से लेना बहन का। अभी चलो अब कहाँ चलना है? अभी वो दूसरे मेले में चलेंगे, अभी दूसरा मेला है भाई, अभी दूसरे मेले में भी दिखाते हैं, अभी मजे लेते हैं। देखो आओ वहाँ पूरा देखोगे, इससे बड़ा है सिटी मार्केट जो है ना अंदर ही अंदर है, लेकिन कितना बड़ा है भाई ये देखो, बहुत बड़ा है, दुकान अंदर ही अंदर है पर बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत महंगा है भाई। तो आप चलते हैं दूसरे में, रोड क्रॉस कर रहे हैं गाइस अभी। बोलो भाई दिवाली में करा रहा क्या भाई? हम अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग ठीक कब? शुक्रवार को, मंगल बुध, हाँ मंगल बुधवार को मिलेंगे, बुधवार को उस दिन कराएगा। हाँ तो मैं मंगलवार को घर आऊँगा और बुधवार को मिलेंगे हम ब्लॉग में। तो भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइबर इधर इधर वो भाई, हमें तो नहीं पता भाई कहाँ से कहाँ जाने। बोलो भाई बताएगा, पार कर ले भाई पार हर जंगल। तो आप जा रहे हैं दूसरे मेले में जो जहाँ परसों गए थे, सरस। यहाँ भी लगी हुई, ये तो बड़ा वाला मेला हो रहा है यार, बहुत बड़ा भाई। चरखी उधर ये लगी है भाई चरखी, तो यहाँ पे लोग लगे हैं पागल की तरह फोटो खिंचाने पे। बोलो भाई फोटो खींच दे क्या? ओ कौन है वाल? बोलो ये भूत भूत चलते हैं। ए कौन है वाल? अच्छा भूत है तेरे भूत। यहाँ से भी हम बाहर ही निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे दोस्त बढ़िया है कि भाई मज़ा नहीं आ रहा मेलों में, अब वो मेले नहीं रहेगा जो पुराने दिन थे। हम सब आइस बेटी, आइस बेटी रियल घूमी जान बहुत यार। चलो भाई ये तो दोस्तों हम बैठ गए हैं इलेक्ट्रिक बस में, और ये बहुत कंफर्टेबल बस है। और इसमें मतलब हम जब मैं सुबह आया था मैजिक में तो उसमें था 20 रुपये किराया, लेकिन इसमें 10 रुपये किराया, और कंफर्टेबल पूरा है भाई, फुल मज़ा आ रही है। और हर जहाँ जहाँ पे रुकेगी वहाँ वहाँ बता रहा है कि ये आ गया वो आ गया, सब चीज़ बहुत बढ़िया बस है यार भाई, मज़ा आ गई। ओ भाई इलेक्ट्रिक बस में आ गई मज़ा। और अब जा रहे हैं मंडी, तो दोस्तों अब जा रहे हैं मंडी पर, मंडी मिल नहीं रही है भाई। भाई इलेक्ट्रिक बस में मजा आ गया यार, किराया भी कम है उसमें भाई, इलेक्ट्रिक का फायदा उठाओ, दिल्ली वाला सीन है यहाँ भी। आप इलेक्ट्रिक में मजा है भाई, बढ़िया बस है। चलो फिर मंडी में हमें कुछ सामान लेना है, उसके बाद चलेंगे सीधा घर। बोलो भाई यहाँ पटाखे मिल जाएंगे क्या? हाँ तेरे को यहीं पर दिला दूंगा इस बेटी में। चलो ठीक है पटाखे भी लेने भाई। चलो मैं एक बात बताऊँ, कल ऑन द स्पॉट फोन छोड़ देगा मैंने भाई, वहाँ तो आज जब मार पड़ी उसको घंटा कर मैंने, बहुत गंदी वाली मार पड़ी भाई दिल्ली में तो। हाँ भाई फोन उसका चोरी? अबे हाँ तो आज चोरा उसने, जैसे तू जा रहा उसने चपेट के बया वो देख लौंडे ने पकड़ा भाई पहले फोन बंद कर यार। मंडी बंद हो चुकी है रात को, पूरा देहरादून की मंडी है, ट्रक उतर रहे हैं अभी। आज नहीं लगती भाई मंडी है, आज नहीं लगती मंडी, आज आज बंद रहती है मंडी। कल कौन सा बार है? कल बार है ना। हाँ कल बृहस्पतिवार को लगेगी मंडी, एक दिन और। चलिए यहाँ पूछ तो भाई, भाई यू चवा रहे यार आंवला, भाई आंवला देखो मुंह के अंदर भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों प्याज है हमने तो ले लिया, आपको कभी भी शादी ब्याह का सामान चाहिए होगा थोके भोगे हिसाब से मिल जाएगा, सस्ता बढ़िया सा देहरादून मंडी। अब गोलू भाई अब ये आती है यहाँ पे सिलाकी वाली बाईपास में मिलता है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे से आपको बाईपास में मिल जाएगा मंडी, और बहुत बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया, हर सामान मिलेगा शादी ब्याह से लेकर पूरा। भाई हमने सामान लिया,
प्याज है भाई 60, गोभी है 300 रुपये का 5 किलो, 300 रुपये का भाई जी 5 किलो चाहिए प्याज, 6 किलो प्याज 300 कुछ है, मतलब सस्ता है मंडी में तो होते यार, मंडी में मिल जाता है रेट से यार। अरे हमारे वहाँ प्याज कर देंगे 100 रुपये, 120 पर चलो कोई बात नहीं जो भी है। अरे सर भाई जी किराया भाड़ा लगता है, कुछ नहीं होता किराया भाड़ा का पैसा वसूली होता है, कोई कोई तो ज़्यादा लूटता है पर कोई कोई किराए भाड़े के हिसाब से लेता है बेचता है। अब कहाँ जाना बोलो भाई, पटाखे लेने पटाखे के शोरूम में जाएंगे, पटाखे के शोरूम में जाया जाएगा। चलो भाई धन्यवाद। गोलू भाई क्या हो गया, पटाखों की दुकान बंद है? हाँ तो गोदाम बंद है गाइस, तो कल लगेगा क्योंकि आज माल सुबह से काफ़ी हो जाता है ना। चल मैं तेल फोन करूँगा तब अगर मुझे मकान हो तो। हाँ तो भाई मकान बोल दियो मेरे को, मैं भी आऊँगा परसों यहाँ वैसे गोदाम में भी सामान लेने, कितने तारीख को? सोमवार को, मंडे को। तो गोलू भाई जाएगा अपने रूम में, मैं भी अपने रूम में जाऊँगा अब, ठीक है आइस बेटी से। चलो फिर दोस्तों गोलू भाई भी घर चले गया है और अब मेरा भी घर जाने का टाइम हो गया है और कल हमने निकलना है गांव के लिए, घर के लिए, ठीक है। तो आज हम इतने घूमे, दो मेलों में घूमे अलग अलग जगह, पहले घंटाघर घूमे, फिर मंडी गए और फिर उसके बाद इधर ही घूमे थोड़ा बहुत। तो अब चलते हैं घर की तरफ और आज करते हैं आप लोग कोई ब्लॉग सुनाया होगा, और FRI वाला और बुद्धा टेम्पल वाला मैं बाद में डालूंगा, जब घर पहुँच जाऊँगा तब उनका एडिट करूँगा सही से, अगर तब तक ठीक रहते हैं तो, ठीक है। तो इतनी आफत तो भाई जंगल जाने में भी नहीं आती जितनी यहाँ आ रही है, क्योंकि यहाँ थोड़ा ट्रैफिक है इसलिए पसीना आ रहा है, बहुत तगड़ा गर्मी हो रही है यहाँ, जबकि गांव में भी ठंडा हो गया होगा। अभी हम रजाई लेने लग जाते हैं गांव में, लेकिन यहाँ अभी गर्म है थोड़ा बहुत, सुबह भी गर्म है क्योंकि सुबह जिस हिसाब से हम रनिंग जा रहे थे जैकेट पहन के जा रहे थे, लेकिन यहाँ अभी जैकेट मैंने ला रखी थी वो मैंने पहनी नहीं, ठीक है। चलो फिर मतलब यहाँ गर्मी है थोड़ा बहुत गाँव से, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक है और प्रदूषण है इस वजह से गर्मी। तो चलो फिर, तो हमने कल 6 बजे बस पकड़ने, तो हमें निकलना पड़ेगा 5 बजे तक, तो इसलिए चलते हैं घर और खाना खुना बनाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर सुबह 4 बजे उठेंगे खाना बना के फिर गोल, ठीक है। चलो चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।